गति लेखन अभ्यास 12 80 शब्द प्रति मिनट। आज के प्रगतिशील युग में समाज में भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं जो अपने उद्देश्यों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहते हैं और ऐसी सूरत में एक परिवार में सब लोगों का अथवा बहुत अधिक लोगों का साथ रहना असंभव है। आज लड़कियां घरों में रहती ही कहाँ हैं। आज रेल का जमाना है, हवाई जहाज का जमाना है और रोजगार की कमी है। इन कठिन समस्याओं के ही कारण हम देखते हैं कि लड़के लड़कियां धन कमाने जहां कहीं उनको रोजगार या नौकरी मिलती है चले जाते हैं और साथ में अपनी स्त्री अथवा पति को लेकर दूर दूर चले जाते हैं। मैं तो समझती हूँ कि जो पुराने परिवार और कुटुंब थे वे हमेशा से ही एक लड़ाई और झगड़े की जड़ थे। यह सही बात है कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते अवश्य हैं और आज के युग में ना तो माता पिता ही यह चाहते हैं कि वे सब कुटुंब में रहें और ना बहू बेटा ही चाहते हैं कि वे सब के साथ कुटुंब में रहें। इस तरह की भावना आज हर एक पढ़े लिखे शहर के लड़के लड़कियों की हो रही है। अगर परिवार रह भी जाए तो आज जायदादें किसके पास रह जाएंगी, जिनके की बट जाने का भय हो रहा है। आज देश में पूंजीवाद सीमित हो रहा है, फिर अब किसी एक व्यक्ति के पास इतना धन व जायदाद नहीं रहेगी जिसके संबंध में ये सारी समस्याएं रोज उपस्थित होंगी और खड़ी होंगी। अगर कोई बहुत धन कमाएगा भी तो दूसरे उपायों से उससे उसको ले लिया जाएगा। जमींदारी का उन्मूलन तो ही हो ही गया है। कोई भी प्रॉपर्टी सरकार यदि चाहेगी तो अपनी इच्छानुसार ले लेगी। यह बिल अभी इस सदन में हम पास कर चुके हैं तो फिर आपको अपनी बहन या लड़की को ही कुछ थोड़ा सा दे देने में क्या आपत्ति है। फिर यदि कोई चाहे कि यह ना हो, वह अपना कुल कमाया हुआ धन अपने पुत्र को ही देना चाहे और अपनी लड़की को ना देना चाहे तो इसके लिए भी इस बिल में प्राविजन है। वह चाहे तो बिल कर सकता है और धन अपनी लड़की को न देकर अपने बेटे को ही दे सकता है। तब फिर इसमें क्या डर की बात है। यह कहना गलत है कि स्त्री धन की रक्षा नहीं कर सकती।